छोटी गांव, बड़ी सपने और वो सब सपनों को सच करना। ऐसी स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगती है सुनने में, क्योंकि ऐसी स्टोरी हमें आशा दिखाती है। आज हम ऐसी एक पर्सनालिटी से मिलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी में, इंडिया में टॉप आने के बाद जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस ज्वाइन किया। उन्होंने IAS एग्ज़ाम सेंट्रल सिविल सर्विस में दो दो बार सेलेक्ट हुए और अभी है पब्लिक सर्विस में ही। साथ ही साथ उनका जो पैशन है फाइन आर्ट्स, दोनों को साथ साथ बैलेंस करके जो चल रहे हैं, उन्हीं से आज हम मिलेंगे। आइए मिलते हैं श्री प्रशांत सिंघानिया से। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार, आपको स्वागत है दूरदर्शन में। धन्यवाद। इतना हाई पेइंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर छोड़ के आप पब्लिक सर्विस में क्यों कदम रखे, IAS एग्ज़ाम क्यों दिया? देखिए, आर्थिक स्थिति एक एस्पेक्ट है आपके जीवन का। पैसे से आपका पेट भर सकता है लेकिन मानसिक पुष्टि नहीं हो सकती। मेंटल न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड है कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी आत्मा बसी हो। आप जो भी कर रहे हैं उसमें डे टू डे आपकी हर एक सोच, आपके जो वैल्यूज़ हैं वो सारे उससे जुड़े हुए रहने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा जॉब था, काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आज के दिन में काफ़ी सॉट आफ्टर है। बट हर आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है। मुझे अपने व्यक्तित्व के हिसाब से लगा कि मैं सुबह से शाम तक जो है रात तक, कभी आधी रात तक अपना उसमें समय दे रहा हूँ, लेकिन उससे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक वृद्धि हो रही है, समाज में कितनी वृद्धि हो रही है, उससे समहाउ मुझे जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था। और कुछ मेरे अपने ट्रेड्स भी थे जिसने मुझे जो है पब्लिक सर्विस को परस्यू करने के लिए जो है मोटिवेट किया। सिविल सर्विस में होके फाइन आर्ट्स में आपने अपना नाम बनाया, ये कैसे? सिविल सर्विस और फाइन आर्ट्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों एक ही थॉट प्रोसेस से आते हैं। क्योंकि जो भी आप सोचते हैं वो या तो करते हैं, और जो नहीं कर पाते वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो जो मैं कर पाता हूँ वो सिविल सर्विसेज में फुलफ़िल हो जाती है, जो किसी तरह अचीव नहीं कर पाता हूँ या कुछ ऐसे थॉट्स रहते हैं जिसे मैं चाहता हूँ कि एक कैनवस में प्रिजर्व करके बार बार खुद को रिमाइंड करने के लिए रखूँ, वो आर्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है। प्रशांत जी, आपका कैंडिड थॉट्स शेयर करके हमें बहुत अच्छा लगा। दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों को, खास करके जो गांव में युवा हैं, उनको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको सुन के एक नई ऊर्जा मिली होगी। धन्यवाद।